अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एडोब प्रीमियर का यूज़ करके ये जो टेक्स्ट के ऊपर फ्लिकरिंग का इफेक्ट है ये किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जिसको हम टेक्स्ट जो हमें है वो ब्लिंक करते हुए शो होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो नाज़रीन, हम अपने प्रीमियर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अब हम फ्लिकरिंग इफेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने टेक्स्ट लेयर में। टेक्स्ट लेयर में जाने के बाद हम सिंपली अपनी स्क्रीन पर आके किसी जगह पे भी कुछ भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ ग्रो पाकिस्तान, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। आपने जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, दैट्स अपॉन यू। देन उसके बाद हम क्या करें, सबसे पहले हम इसकी पोजिशनिंग वगैरह सेट कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पोजीशनिंग वगैरह हम अपने अकॉर्डिंगली, फ्रेम के अकॉर्डिंगली जो है हम इसको सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है इस जगह पे जो है अपने हैंड्स के ऊपर थोड़ा सा अबव करके इस जगह पे मैं इसको फ्लिकर करना चाहता हूँ। देन उसका हमारे पास प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अपनी जो टेक्स्ट लेयर है इसको हम छोटा कर देंगे। हम इसको जितना भी हम इसको फ्लिकर के अकॉर्डिंगली सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेट कर देता हूँ 1, 2, 3। हम अपने कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये कर्सर है ये राइट की तरफ एक एक फ्रेम जो है वो मूव करेगा। अब फिलहाल के लिए मैं अपनी जो ये वाली लेयर है इसको मैं कर देता हूँ म्यूट, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई भी जो साउंड है वो ना आए। अब क्या, अब ग्रो पाकिस्तान का जो ये टेक्स्ट है इसको मैं 1, 2 सिर्फ 2 फ्रेम्स के बाद जो है इसको इतना मैं कर देता हूँ क्रॉप। अब क्या 2 फ्रेम्स शो होगा एंड 2 फ्रेम्स ये बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। देन इसके लिए मैं 2 फ्रेम्स मज़ीद आगे चला जाता हूँ, इसको ऑल्ट से ड्रैग करके मैं इधर ले जाता हूँ। देन इसके एंड पे जाके देन दो दफ़ा मैं राइट एरो प्रेस करके 2 फ्रेम्स आगे जाता हूँ। देन इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं ऑल्ट प्रेस करके इनकी कॉपी बना लेता हूँ। देन इनके एंड में जाके मैं 2 दफ़ा राइट एरो प्रेस करता हूँ, देन इनकी मैं कॉपी बना के इसके एंड में आ जाता हूँ। और ये प्रोसीजर है, ये हमारा चलता रहता है जब तक हम अपने जो टेक्स्ट है उसकी फ्लिकरिंग चाहते हैं। इसको मज़ीद मैं आगे ले जाता हूँ एक लास्ट टाइम, 2 फ्रेम्स मज़ीद आगे गए, इन तमाम की मैंने कॉपी की, ऑल्ट पकड़ के मैं इसको राइट साइड पे ले आया। अभी जो फ्लिकरिंग इफेक्ट ये हमारा बन चुका है इधर 4 सेकंड तक। अब मैं आपको ये जो है ये प्ले करके दिखाता हूँ। इधर थोड़ी सी हमसे मिस्टेक क्या हो गई है, हम उसी के ऊपर हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 फ्रेम्स हम आगे लेके जाएंगे और इसकी कॉपी करके जो है ना ये ऊपर वाली लेयर की कॉपी करके हम इस कर्सर के साथ इसको ड्रैग करेंगे। अब ये सारा जो हमारे पास यूनिफॉर्म जो एक पैटर्न है वो आ चुका है। जब हम इसको प्ले करेंगे तो देखिए कि जो ग्रो पाकिस्तान का टेक्स्ट है ये हमारे पास जो है ये फ्लिकर कर रहा होगा इस तरीके से। ये हमारे पास आ गया, हमने आपको बताया किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो फ्लिकरिंग इफेक्ट दे सकते हैं, जिससे आपका जो टेक्स्ट है वो ऐसे शो होगा जैसे हम आपको जो टेक्स्ट है वो किसी भी लेयर के ऊपर रहते हुए ब्लिंक कर रहा है। आप ये ब्लिंक जो फ्लिकरिंग का इफेक्ट है ये टेक्स्ट लेयर पे नहीं बल्कि आप किसी भी क्लिप, वीडियो, इमेज, किसी चीज़ पे भी आप दे सकते हैं, दैट्स ऑल अपॉन यू। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपने जाना कि आप किस तरीके से एडोब प्रीमियर को यूज़ करके जो फ्लिकरिंग टाइप का इफेक्ट है अपनी टेक्स्ट लेयर पे या किसी भी लेयर पे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो या कोई और चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोलें, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और कुछ समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।